नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 162वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, ICC ने शुरू किए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीन रूपों में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कारों की घोषणा एक स्वतंत्र ICC वोटिंग अकेडमी करेगी, जिसमें दुनिया भर के पूर्व खिलाड़ी, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे, जो प्रशंसकों के साथ मिलकर ICC मेंस और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को वोट देंगे। इस महीने से पुरस्कारों की शुरुआत की जाएगी। नंबर दो, कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। यह सत्र राष्ट्रपति भाषण के साथ शुरू हुआ। सभी सदस्य पहली बार संसद में तीन विभिन्न स्थानों पर बैठे। मंत्री, विभिन्न दलों के नेता तथा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 144 सांसद केंद्रीय कक्ष में बैठे। शेष सांसद सुरक्षित दूरी बनाए रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठे। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। नंबर तीन, क्या है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। यह सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सालाना आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इसमें भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की सारी जानकारी दी जाती है। इस सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का अनुमान होता है। सर्वेक्षण के आधार पर ही सरकार द्वारा बजट में घोषणाएं की जाती हैं। हालांकि इन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होती है। नंबर चार, कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण नीति को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी कि PSU के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा, जो कि 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति के तहत रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोला जाएगा। इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रों में PSU की संख्या को 1 से 4 तक सीमित किया जाएगा। शेष सरकारी कंपनियों का निजीकरण या विलय कर दिया जाना इस नीति में शामिल है। इस प्रकार सरकार का मुख्य उद्देश्य गैर रणनीतिक क्षेत्रों की कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकलना है। नंबर 5, क्या होते हैं PSUs? सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या PSU कहा जाता है। PSU का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों में से किसी एक के पास होता है। PSU कंपनी के अधिकांश शेयर आमतौर पर सरकार के पास होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि CPSU और CPSEs या राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रम यानी कि SLPEs। PSU को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। वर्ष 1951 तक भारत में PSU की संख्या केवल 5 थी। समय के साथ इस संख्या में वृद्धि हुई है। मार्च 2019 तक यह संख्या बढ़कर 348 हो गई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 जनवरी या 12 अगस्त। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर हाई कोर्ट। आप में से इनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।